कम समय में बनके तैयार होने वाली बरबट्टी और आलू की सब्जी, ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आप भी इसे अपने घर में आसानी से बना सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। बरबट्टी और आलू की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए बरबट्टी, आलू, मिर्ची, प्याज। सब्जी बनाने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म होने पर उसमें 2 चम्मच तेल ऐड। तेल गर्म हो गया है, इस टाइम पे हम 5 फ़ोरन ऐड करेंगे। 5 फ़ोरन को गर्म तेल में कढ़ाई में अच्छे से चटकने देंगे। इस टाइम पे बड़े बड़े टुकड़ों में कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे और 2 कटे हुए बड़े टुकड़ों में हरी मिर्च ऐड करेंगे। प्याज हरी मिर्च को हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। यहाँ आज हम बरबट्टी और आलू की सूखी सब्जी बना रहे हैं। इसे बहुत जगह बरबट्टी और आलू की भुजिया भी बोलते हैं। हाई फ्लेम पे प्याज को भूनते हुए 1 मिनट हो गया है। इस टाइम पे हम इसमें कटा हुआ आलू ऐड करेंगे। आलू ऐड कर आलू को हाई टू मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए मिलाते हुए भून लेंगे। आलू को हमें तब तक भूनना है जब तक आलू में अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। ये देखिए दोस्तों, आलू को भूनते हुए 5 मिनट हो गया है, आलू में अच्छा सा गोल्डन कलर भी आ चुका। इस टाइम पे गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसमें लंबे टुकड़ों में कटे हुए बरबट्टी ऐड करेंगे। बरबट्टी ऐड करने के बाद गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे बरबट्टी को हमें अच्छे से मिलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। हाई फ्लेम पे बरबट्टी को अच्छे से मिलाते हुए भूनने से बरबट्टी का कच्चापन जल्दी ख़त्म हो जाता है। बरबट्टी को भूनते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। इस टाइम पे हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हाफ चम्मच या स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड करेंगे। हाफ चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। सभी मसालों को सब्जी के साथ अच्छे से मिलाते हुए 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भून लेंगे और लास्ट में 1/2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। पेस्ट ऐड कर सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिलाते हुए हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। सब्जी को भूनते हुए 1 मिनट हो गया है। इस टाइम पे गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और सब्जी को ढक कर मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। सब्जी को पकते हुए 5 मिनट हो गया है, अब हम इसे चेक कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, सब्जी हमारा अभी पक के तैयार नहीं हुआ है। इस टाइम पे हम इसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि सब्जी कहीं से भी कच्चा ना रहे। मिलाकर हम इसे ढक कर फिर से 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। सब्जी को ढके हुए 5 मिनट हो चुका है, हम इसे एक बार चेक कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, सब्जी हमारा बनके तैयार हो गया है। आप इसे फिर से एक बार इस तरह से चेक कर सकते हैं। ये देखिए, आलू हमारा बहुत अच्छे से पक के तैयार हो गया है। ये देखिए दोस्तों, सब्जी हमारा बनके तैयार हो गया है। इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और हम इसे प्लेट में सर्व कर लेंगे। आप भी इसे इस तरह बना के पूरी, पराठा या राइस के साथ खाएं, ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।